भी टीवी इंडस्ट्री की खूबसूरत और दमदार अभिनेत्रियों का नाम लिया जाता है तो उसमें कृतिका सेंगर का नाम ना आए ऐसा कैसे हो सकता है, जिन्होंने जिस भी सीरियल में अभिनय किया वो सुपरहिट साबित हुआ, जिसमें से एक जी टीवी पर प्रसारित हुआ पॉपुलर शो पुनर्विवाह, जिसमें इन्होंने अपनी अदायगी और खूबसूरती से इस कहानी के किरदार में चार चांद लगा दिए और एक जाना माना नाम बन गई और बिना एक्टिंग के दुनिया से ताल्लुक रखते हुए भी अपनी मेहनत और लगन से इतना सफल करियर बनाया। लेकिन क्या आप जानते हैं अपने करियर में इतनी सफल रही कृतिका सेंगर ने सिर्फ अपना ही करियर इतना सफल नहीं बनाया, बल्कि छोटे पर्दे का एक और ऐसा शख्स है जिसके करियर को इन्होंने संवारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो आज टीवी की दुनिया के साथ साथ बड़े पर्दे पर भी अपना नाम बना चुका है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आखिरकार कौन है वो शख्स जिनके करियर को बनाने में कृतिका सेंगर ने मदद की है, अगर आप भी इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहें। साथ ही अपनी फेवरेट अभिनेत्री कृतिका सेंगर के लिए एक लाइक तो बनता है। टीवी जगत की मशहूर अभिनेत्री कृतिका सेंगर ने अपने करियर की शुरुआत सीरियल्स में छोटे मोटे रोल्स से की, जिसके बाद उन्होंने अपने अभिनय का इतना अच्छा प्रदर्शन किया कि इन्हें शोज में मुख्य भूमिका निभाने का मौका मिला, जिसके बाद इन्होंने कई सीरियल्स में काम किया जिनमें झांसी की रानी, सर्विस वाली बहू और कसम तेरे प्यार की जैसे सीरियल्स शामिल हैं। और इन्होंने जिस भी सीरियल में काम किया वो सभी काफी कामयाब रहे और पर्दे पर हिट साबित हुए। यही कारण था कि एक समय में शोज के मेकर्स ने कृतिका सेंगर को मुख्य भूमिका में लेने के लिए होड़ मची रहती थी और इस तरह इन्होंने खुद को तो सफल बनाया ही, साथ ही अपने को स्टार के करियर को भी संवार दिया। और वो को स्टार कोई और नहीं बल्कि सीरियल पुनर्विवाह में कृतिका सेंगर के साथ नजर आए अभिनेता गुरमीत चौधरी थे। जी हाँ, गुरमीत चौधरी, जिन्होंने कृतिका के साथ साल 2012 में आए पॉपुलर शो पुनर्विवाह में काम किया, जिन्होंने शो में इनके पति की भूमिका अदा की और इनकी ये जोड़ी पर्दे पर काफी पसंद की गई, जिसके बाद कृतिका के साथ साथ गुरमीत चौधरी भी टीवी इंडस्ट्री के एक जाने माने चेहरे बन गए, जिसके बाद ये छोटे पर्दे पर तो कामयाब हो ही गए थे, साथ ही साथ इन्हें कई फिल्मों के ऑफर भी आने शुरू हो गए, जिन्हें अपना कर इन्होंने कई फिल्मों में काम किया जिनमें खामोशियां, वजह तुम हो और पलटन जैसी फिल्में शामिल हैं। और आज ये अपने करियर में इतने सफल हो गए हैं कि आज ये किसी पहचान के मोहताज नहीं। आपको बता दें कि गुरमीत भी अपनी इसी कामयाबी का श्रेय कृतिका सेंगर को ही देते हैं, यही वजह है कि ये दोनों आज काफी अच्छे दोस्त हैं। तो दोस्तों, आपको इनकी जोड़ी पर्दे पर कैसी लगी, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी तमाम मजेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।